हेलो किड्स होप यू विल बी डूइंग फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली ओके आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर को हमने इसके फर्स्ट थ्री पार्ट्स में इसका काफ़ी कुछ पार्ट कवर किया है आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स एंड आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वैसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को मैंने डिस्कस किया है साथ ही आइसोम लेट्स बिगिन विदिटिव था आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड पुट इन टू एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एन आइडिया दैट इज ओनली एग्जिस्ट एजडिया कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आइडिया या थॉट आपके माइंड में आए कन्वर्ट दैट इनटू एक्शन डोंट कीप दैट एज एन आइडिया दैट आई हैड थॉट ऑफ डूइंग स्टडीज एट दिस टाइम बट आई डोंट डू सो वेन एवर यू हैव एन आइडिया और थॉट अबाउट समथिंग कन्वर्ट दैट इनटू एक्शन ओके ओके मूविंग ऑन टू चैप्टर ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन एक फ्रेंडली कंपाउंड एलिमेंट है और इसी वजह से फ्रेंडली का मतलब है कि बिकॉज कार्बन कैन ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम्स एंड कार्बन कैन ज्वाइन विद मेनी अदर एलिमेंट्स आल्सो कार्बन का क्या है कि कार्बन कार्बन एटम के साथ मिलकर बहुत लॉन्ग uh, चेन्स बना सकता है और कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर भी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो कार्बन कार्बन एक्ट आइटम दूसरे के साथ अटैच होकर uh, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटनेशन वी अबाउट इट अर्लियर ओके एंड यू हैव सीन दैट हाउ दीज एलिमेंट्स When the carbon carbon atoms can join with each other. Okay. They join with each other to form long chains. Okay. And second thing that carbon can also form bond with other atoms. Okay. Like, uh, normally we can see them bonding with the hydrogen, we can see them bonding with the uh, oxygen, halogens, nitrogen. Halogens means uh, the um, fluorine, chlorine, bromine, iodine, that series. Okay. That um, all these elements. Okay. Uh, fine. द मूविंग ऑन नेक्स्ट नाउ वाई इज कार्बन सो फ्रेंडली और कार्बन का वो कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड इसके पीछे जो रीज़न है वो आपको पता है दैट कार्बन इज टेट्रावलेंट मीन्स कार्बन हैज फोर वेलेंसी दैट मीन्स इट इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फोर एंड इट नीड्स फोर मोर अटेन स्टेबिलिटी टू कम्पलीट इट्स ऑक्टेट तो कार्बन को क्या करना होता है फोर इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं शेयरिंग करता है वो इसके लिए और वो स्टेबल बन जाता है नाउ इट नीड्स लट ऑफ शेयरिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट तो ये क्या करता है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के आइटम्स के साथ शेयरिंग करता है एंड डिफरेंट कंपाउंडस बनाता है ओके okay? नॉर्मली हमने देखा है हाइड्रोकार्बन्स में जो हमने अब तक स्टडी किए हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है करेक्ट और इसके अलावा क्या है वो डिफरेंट एलिमेंट्स uh, के साथ भी जॉर्न सकते उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स को जो ये से हमारे पास ये अभी आम एन एग्जाम्पल लिया आपके लिए मिथेन ओके okay? मिथेन में आप देख सकते हैं वन कार्बन एटम के साथ फोर हाइड्रोजन एटम्स अटैच है तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फोर हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पर ये वन ये टू थ्री फोर जो हमारे हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एटम्स को कोई और एलिमेंट के एटम्स रिप्लेस कर सकते हैं और वो इसकी जगह जुड़ सकते हैं फाइन सो so ये बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आई हैव टेकन हेयर एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है और क्लोरीन अटैच हो गया है तो ये हमारा क्या बन गया ये मिथेन से हमारा बन गया है ये क्लोरोमीथेन ओके फाइन सो दैट इज हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन रिप्लेस हाइड्रोजन उनके एटम्स रिप्लेस कर सकते हैं ये ऑक्सीजन भी रिप्लेस कर सकता है ये ब्रोमीन भी रिप्लेस कर सकता है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेनी अदर ग्रुप्स ओके वो हम स्टडी करेंगे नाउ कोई भी एटम जो कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है दैन एनी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स। वॉट दे आर कॉल्ड एज हेट्रो एटम्स तो इस केस में हेट्रो एटम क्या हुआ क्लोरीन। क्लोरीन हमारा हेट्रो एटम है जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है फाइन मूविंग ऑन फर्दर जब आप फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिकॉज ये जो कार्बन कंपाउंड्स uh, का केमिस्ट्री जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर द ओनली वन जिसकी वजह से इस अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं और जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अगर हम बेसिकली किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप देखिए तो उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं ग्रुप ओके कंपाउंड्स हैव डिफरेंट डिफरेंट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिकार्ट आर नोन एज ग्रुप जैसे ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल जो हमने लास्ट लिया है क्लोरोन अगर हम क्लोरोमिथेन की बात करें कि हमारा क्लोरीन है और अब इस इस क्लोरोन के अंदर भी दो ग्रुप्स बन गए हैं फर्स्ट आ गया है ये हमारा क्लोरीन एंड सेकेंड ग्रुप है हमारा ये वाला ग्रुप मिथाइल ग्रुप ओके okay, तो यहां पर भी हमारे क्या बन गए हैं मिथाइल ग्रुप एंड क्लोरीन ग्रुप तो हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए हैं अगर हम इसकी बात करें प्रोपेनोन की आ, ये नॉर्मल क्लैचर भी हम स्टडी करेंगे आगे अभी सिंपल समझ लीजिए एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोपेनोन अब प्रोपेनोन में क्या ग्रुप्स है देखो फर्स्ट तो ये हो गया सी एच थ्री दैट इज मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं सेकेंड हो गया हमारा ये वाला ग्रुप दैट इज आर सी ओ ग्रुप एंड थर्ड इज अगेन आर मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड की भी थ्री पार्ट्स हैं थ्री ग्रुप्स प्रेजेंट है इसमें ओके एंड दीज ग्रुप्स आर ओनली दंस जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं ओके okay? तो अगर हम अपने प्रेजेंट ऊपर के दोनों कंपाउंड की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी जो डिसाइड होती है क्लोरोमिथिन की और प्रोपेनोन की वो इन्हीं ग्रुप से होती है दिस वन दिस क्लोरिन ग्रुप एंड दिस वन दिस आर हमारा जो कीटोन ग्रुप है इसका नाम है कीटोन ग्रुप ये कीटोन ग्रुप डबल ओ सी के साथ कार्बन के साथ जब डबल ओ बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये ग्रुप कहलाता है कीटोन इसको हम स्टडी करेंगे तो ये जो ग्रुप्स है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करता आ, प्रापर्टीस, प्रापर्टीस है फंक्शनल केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं वो कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन क्लोराइड ग्रुप है और सेकेंड है हमारे पास कीटोन ग्रुप और यही ग्रुप्स कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स ओके नाउ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कंपाउंड्स में बहुत सारे हैं बट आपकी बुक में यही स्टडी किए गए हैं जो मैंने यहाँ बनाए हैं बताएं आपको फर्स्ट कम्स इज द क्लोरीन और ब्रोमीन जिसको हम कहते हैं हैलोजेंस इनको हम कहते हैं हेलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन ये कहलाते हैं हैंलोजन्स इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं बिकॉज ये बेसिकली जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और हेलोजन जो वर्ड है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सॉल्ट्स uh, है के लिए इन डेज़ ये हेलोजन वर्ड सोल्ट को रेफर करता है तो वहां से इसको हमने वर्ड यूज किया है? है हैलोजन फाइन क्लोरीन क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरीन आयोडीन ये कहलाते हैं हेलोजेंस अब ये कैसे इस कंपाउंड को हम बोलते है? हैलो एलकेन्स. हैलो एलकेन्स क्यों कह रहे हैं क्योंकि एल्केन के अंदर कौन से कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन और सारे एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है सारे एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो हमारा होता है एल्केन और ओके okay, हेलो एल्केन क्या है कि जब इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है और उसके साथ हेलोजन ग्रुप का एक एटम अटैच हो गया चाहे वो क्लोरीन है चाहे वो ब्रोमीन है चाहे वो आयोडीन है जब ये अटैच हो जाता है तो वो हमारा बनता है हेलो है एल्केन फाइन नाउ अगर हमारा जो हेल हेट्रो एटम है जिसने के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है अगर वो है हमारा ऑक्सीजन तो क्या होगा ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा हमारा इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं कैसे बनते हैं फर्स्ट है हमारा एल्कोहल फाइन जो है हमारा ओ OH एच ग्रुप ओके okay? ये हमारा फंक्शन ग्रुप क्या बन रहा है एच ग्रुप और इसको हम कहते हैं एल्कोहल ओके इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपने देखा होगा एन ए जो हमारा होता है आ, या के ओ होते हैं ये सब हमारे बेसिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये ओ ग्रुप होता है बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब कार्बन कंपाउंड्स में ये ग्रुप जुड़ता है ओ तो हम इसको एल्कोहल कैटेगरी ऑफ कंपाउंडस आ जाता है हमारा एल अगर हम बात करें Eldehyde में क्या होता है सी एच ओ ये ग्रुप बन रहा है ओके okay? ये ग्रुप हमारा क्या है एल डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन है तो ये बन रहा है हमारा सी एच एंड ओ सी एच एंड ओ ये हमारा बन गया है एलडीहाइड और कीटोन क्या है कि कार्बन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है बिकॉज आपको पता है ऑक्सीजन ऑटोमिक नंबर इज टू सिक्स तो टू सिक्स मतलब उसको सेटिस्फाई अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू सो इट विल शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और कार्बन को भी लगेगा कि मुझे ऑक्सीजन से दो मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी डबल वन बन जाएगा यहाँ पर और ये सेटिस्फाइड दोनों का बैलेंस हो जाएगा फाइन एंड दिस दिस ऑन द साइड इट विल अटैच विद अदर कार्बन आइटम्स और अदर एलिमेंट्स फाइन नाउ नेक्स्ट कम्स इज द कार्बोक्सैलिक एसिड कार्बोक्सैलिक एसिड ग्रुप होता है सी ओ ओ एच इसमें सी ओ ओ एच हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी ओ ओ एच सी ओ एच इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं एक तो हमारा है हमारा क्या है डबल बॉन्ड फॉर्म करता हुआ ऑक्सीजन और एक है हमारा ओ एच ग्रुप फाइन तो ये हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ये जब डिफरेंट डिफरेंट हमारे मिथाइल ग्रुप के साथ या डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो यही ग्रुप्स हैं जो प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं कि इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी कैसा होगा ये, ये फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं फाइन इसीलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंस है हम इनके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन को भी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे अभी के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आइसोमर्स uh, ये थोड़ा सा इट इज़ द वन विच आई वांटेड टू कवर फॉर यू बिकॉज सम क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्ड इन द टेक्स्ट बुक आल्सो एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस टेक्सट क्वेश्चन माई बिन एग्जाम ऑल्सो कैन बी आस्ड आइसोमर्स क्या होते हैं कि वो ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का सेम होता है बट उसका स्ट्रक्चर अलग होता है कैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है देखो इसमें क्या है हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बिकॉज आइसोमर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे दैट कैन बी स्ट्रक्चरल आइसोमर दे कैन बी चेन आइसोमर्स उसमें इसी में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं चेन आ जाता है लोकेश पोजिशन आ जाता है पोजिशन आइसोमर्स आ जाते हैं तो बट हम उतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं बट लिटिल बिट आइसोमर्स एंड दिस इस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म कि एक ही अमोलिकुलर फार्मूला का कंपाउंड है बट उसका स्ट्रक्चर अलग है और उसके होने से क्या होता है आइसोमर्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओके फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल है ये हमारा वन क्लोरो प्रोपेन है फाइन अभी अगर इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये सी थ्री एच सेवन एंड सी एल है फाइन ये दोनों में आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड दोनों आइसोमर्स में ये सेम है सी थ्री एच सेवन सी एल अब पर इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है ये दो तरह से हो सकता है कि एक तो इसने सिंपल स्ट्रेट चेन बना ला ली या फिर यहाँ पर ब्रांच बना ब्रांच बन गया है तो अगर ये ब्रांच बन जाता है तो ये हमारा हो जाता है हमारा टू क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर हम इसको वन और टू क्यों न कैसे नंबरिंग दे रहे हैं कि हम कार्बन uh, को नंबरिंग दे देते दे, हैं यहाँ वन यहाँ पर ये यह है हमारा टू नंबर कार्बन और ये है हमारा थ्री नंबर कार्बन सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग ओके सो इस अकॉर्डिंग देखो इस ग्रुप ये कहां पर अटैच है नंबर वन कार्बन पर अटैच है इसलिए हमने इसको दिया वन क्लोरोप्रोपेन अगर ये सेकेंड कार्बन पर अटैच है तो ये हमारा बन जाता है टू क्लोरोप्रोपेन और ये अलग होते हैं अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में इसीलिए आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओके okay? इसलिए अब देखो ध्यान रखिएगा आप नंबरिंग किधर भी साइड से दे सकते हैं लेफ्ट से दे सकते हैं right राइट से दे सकते हैं बट नॉर्मली जिधर फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो ज़्यादा नियर होता है हम वहाँ से काउंट करते हैं सेकेंडली ऐसा नंबरिंग हम देते हैं कोशिश करते हैं जिससे लंबा चेन बन सके इसके बहुत सारे रूल्स हैं आप जब आइसोम डिटेल में करेंगे तब हम इसको और ज़्यादा स्टडी करेंगे दर इज वन क्वेश्चन विच ऑल्सो डिस्कस इन टेक्स्ट बुक इज इज आइसोमर्स ऑफ पेंटेन कि पेंटेन के आइसोमर्स कितने कितने बनते हैं कैसे बनते हैं कौन होते हैं अगर हम बात करें पेंटेन की पेंटेन मीन्स जैसे कि वर्ड इंडिकेट करा पेंटेन मीन्स फाइव देख कैसे होता है ये नंबरिंग हमने आई थिंक आई हैव नॉट आई हैव ओनली डिस्कस विद यू लाइक मीथेन मिथ इज मीन्स वन कार्बन इथेन टू कार्बन एटम प्रोपेन थ्री ब्यूटेन फोर पेंटेन फाइव ओके हेक्सेन सिक्स हेप्टेन सेवन ऑक्टेन एट इस तरह से सीरीज चलती रहती है फाइन ये होमोलोगस सीरीज है हमारा जिसमें कि हर एक जो हमारा ग्रुप है नेक्स्ट कंपाउंड है वो सी एच टू से डिफर करता है मतलब उसमें और फर्दर सी एच टू सी एच टू सी एच टू आप ऐड करते जाइए तो नेक्स्ट 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 हमारा कंपाउंड बनता जाता है फाइन तो अगर आप पेंटेन की बात करें तो ये है हमारे पास एन पेंटेन जो हमने सबसे पहले बनाया है ये फाइव कार्बन चेन बन रहा है जब हमारे और फाइव कार्बन आइटम से अटैच इन डेमस न चेन जब ये चेन से एक दूसरे से अटैच हो गए हैं हमने नंबरिंग दे दिया है वन टू थ्री फोर एंड फाइव हमने नंबरिंग दे दिया है ये हमारा स्ट्रेट चेन दैट इज पेंटीन बन गया है सेकेंड आ जाता है हमारा वन टू थ्री एंड फोर अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम वन ये है हमारा टू और ये है हमारा थ्री कार्बन एटम एंड ये वाला है हमारा फोर कार्बन एटम का फोर फोर्थ कार्बन आइटम फाइन अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एक ब्रांच की तरह अटैच हो गया है इस वजह से ये जो चेन है ये हमारी रह गई है फोर कार्बन चेन और इसको हम नेमिंग कैसे देंगे या तो हम इसको बोल सकते हैं आइसो पेंटेन या फिर हम इसको बोलते हैं मिथाइल जैसा मैंने कहा था सी एच थ्री क्या होता है मिथाइल ग्रुप होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये अटैच है हमारे ब्यूटेन पर तो हम इसको बोल सकते हैं मिथाइल ब्यूटेन ओके okay, सो so इस तरह से नंबरिंग नेमिंग uh, दिया जाता है नेमिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो वॉच दैट फाइन और अगर हम बात करें फिलहाल के लिए इफ़ यू डोंट गो ऑन द नंबरिंग जस्ट ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर कि हमारा इस तरह से भी ब्रांच बनने से भी आइसोमर्स क्रिएट हो रहे हैं और वो एक दूसरे से डिफर करते हैं अब देखो यहाँ पर तो हमारा एक मिथाल ग्रुप अटैच हुआ था अगर ये दो अटैच हो जाए तो ये हमारा बन गया है नियोपेंटेन और ये बन गया है वन मिथाल ग्रुप ये टू मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं और ये हमारा चेन बन गया है थ्री कार्बन एटम्स का वन ये टू कार्बन एटम एंड ये हमारा बन गया है ये थर्ड कार्बन एटम तो ये बन गया है ये वन वन मिथाइल ग्रुप और ये मेरा है ये टू मिथाइल ग्रुप सो इट हैज बिकम डाई मिथाइल एंड प्रोपेन क्योंकि थ्री कार्बन एटम्स का चेन है सो so ये हमारा बन गया है डाइमिथाइल प्रोपेन और ये बन गया है हमारा ये लेफ्ट रह गया सिर्फ थ्री कार्बन चेन रह गया है ओके okay? सो so इस तरह से डिफरेंट आइसोमर्स बन जाते हैं अब इसमें आप देख सकते हैं अगर आप इन सब का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एवरीथिंग इज सेम बट स्ट्रक्चर इन विच दे आर अटैच और द वे इन विच दे आर अटैच विद ईच अदर ये डिफर करता है और इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं ओके दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो इफ यू हैव एनी एनी अदर क्वेश्चन लेफ्ट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू थैंक यू एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब इट बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली मेकिंग सच वीडियोज़ ओके टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग ईजी ओके टेक केयर बाय